आज हम परवल की कलौजी बनाएंगे। इसके लिए क्या क्या सामग्री लेना है चलिए हम बता दे रहे हैं। नमक है, लहसुन है, हरी मिर्च है, ये धनिया की पत्ती है, ये खटाई है जो हमारे यहाँ घर पे बनती है, ये मसाले जिसमें गरम मसाला, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर है, ये मूंगफली है पीसी हुई और ये प्याज है कटा हुआ, ये परवल है इसको हम बीच में से काटेंगे। हम परवल को काटेंगे और ये जो मैंने खलबट्टा लिया है इसमें लहसुन को और हरी मिर्च को कूट लेंगे और इस तरीके से हम परवल को काटेंगे, बीच में से उसको फाड़ लेंगे। उसके बाद इसको देखिए एकदम से खाली हो गया है, चारों तरफ से मैं आपको दिखा रही। पहले इसको दोनों किनारों को काट लेंगे आगे और पीछे से, फिर इसका बीज इस तरह से चाकू की सहायता से या फिर हाथ से भी निकाल सकते हैं उंगलियों की सहायता से। और इस तरीके से मैंने सारे परवल को काट लिया है। अब ये जो आलू छीलने की होती है छीलनी, उसकी सहायता से उसके पीछे की साइड से इसको इस तरह से इसके छिलकों को थोड़ा सा रगड़ लेंगे ताकि ये इसके अंदर भी तेल या मसाले सब जा सकें। इस तरीके से हम मसाले तैयार करने के लिए प्याज मैंने ले लिया है, जो मसाले लिए थे वो है, खटाई डाल लिया है इसमें। देखिए हमारे यहाँ ऐसी खटाई बनती है, इसके अंदर ही भरते हैं इसको, उसी में से निकाल के फिर इसको डालते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो इसके यहाँ पे आप अमचूर पाउडर डाल सकते हैं। हरा धनिया डाल दिया है, ये जो मूंगफली का पीसा हुआ था पीस को रखा था मैंने उसको डाल दिया है, ये लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट है जो खलबट्टे मैंने कूट लिया है, नमक भी डाल देंगे स्वाद के अनुसार और इसको इस तरीके से मिला लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनता है, आप लोग भी ज़रूर बनाना अपने यहाँ। और देखिए हमारा मसाला बनके तैयार हो गया है भरने के लिए परवल में। और मैंने देखिए धागा ले लिया और सीजर ले लिया है, अब इसको भरेंगे इसमें। चम्मच की सहायता से भी आप भर सकते हैं, आप हाथ से भी भर सकते हैं, जैसे भी आपको आसान लगे उस तरीके से आप भर सकते हैं इसको। और देखिए इस तरीके से भर करके हम इसको धागे की सहायता से लपेट के रख देंगे ताकि इसके अंदर की जो भरी हुई है सब सामग्री वो निकले ना। देखिए इस तरीके से चारों तरफ से घुमा करके इसको बंद कर देंगे और धागे को फिर वापसी वहीं पे चिपका देंगे, वो खुलता नहीं है, चिपका ही रह जाता है, फिर लास्ट में जब बन जाती है कलौजी तब वो निकल जाता है। कुछ तो धागे अपने से निकल जाते हैं, कुछ को निकालना पड़ता है हाथ से। और इस तरीके से सबको लपेट देंगे ताकि इसका मटेरियल जो भरा हुआ है निकले ना। इसी तरीके से हम सारी कलौजी को भर के तैयार कर लेंगे। देखिए हमारी सारी कलौजी भर के हो गई है तैयार और आप लोग इसको ज़रूर बनाना, ज़रूर से ज़रूर बनाना। और वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। गैस पे मैंने पैन को चढ़ा दिया है, उसमें अब एक एक करके सारे कलौजी को रख लेंगे पकने के लिए। सारी कलौजी हमारी रख गई है, अब इसके ऊपर हम मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। इसमें सरसों के तेल में ही इसको पकाया जाता है और गैस को जला देंगे। ये थोड़े तेल में और थोड़े भाप से ही पकती है, इसको एकदम डीप फ्राई मतलब नहीं करते हैं। और गैस जला के इस तरीके से ढक करके पकने के लिए छोड़ देंगे, थोड़ी देर देर पे इसको देखते रहेंगे। और देखिए इस तरीके से ये पक रहा है, थोड़ी देर के बाद फिर इसको पलट देते हैं नहीं तो एक ही तरफ का फिर ये जल जाएगा। देखिए इस तरीके से, और इसको फिर ढक करके पकने के लिए छोड़ देंगे। और देखिए
पकते पकते इसका कलर एकदम से चेंज हो गया है। अब हमारी कलौंजी वो पक के तैयार हो गई है। अब देखिए इसको हम सर्व कर दे रहे हैं। धागे को मैंने निकाल दिया है, कुछ तो निकल गए थे, कुछ को मैंने हाथ से निकाल दिया। और देखिए इस तरीके से बनी, बहुत ही टेस्टी बनती है। इसको आप दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, क्योंकि ये खट्टा मीठा यमी सा होता है। और देखिए ये बन के हो गई है तैयार हमारी कलौंजी। देखिए मुँह में पानी आ जा रहा है। आप लोग भी ज़रूर बनाना इसको। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।